तो नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर सच में चीनी चीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तो, और पीएम मोदी जी ने अगर यह बोल दिया कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण चाइनीज चीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, तो हाँ शुरू से शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो पूरी देखोगे तो सब पता चलेगा, नहीं तो आप लोग मुझे फिर गलत भी बोल सकते हो, तो प्लीज वीडियो पूरी देखना। हमारे भारत से चीन में क्या क्या आयात होता है, यानी कि क्या क्या माल मटेरियल पहुंचाया जाता है। कॉटन यानी कपास, कॉपर यानी तांबा, हीरे और अन्य प्राकृतिक रत्न भी पहुंचाए जाते हैं। और चीन हमारे भारत को कौन सी चीजें बेचता है? मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, ऑर्गेनिक केमिकल यानी जैविक रसायन और खाद। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दोनों देशों से क्या आता जाता है। और अब बात करेंगे उनके बीच हुई अनबन के बारे में, यानी दोनों देशों की लेन देन और वो लेन देन का क्या अंक था और कब ज्यादा हुआ और कब कम हुआ वो सब बताऊंगा। भारत और चीन के बीच कारोबार में किस तरह बढ़ोतरी हुई है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस सदी की शुरुआत यानी साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल 3 अरब US डॉलर का था, वो 2008 में बढ़कर 51.8 अरब US डॉलर तक पहुंच गया। और इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 2018 में दोनों देशों के बीच करीब 95.54 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और दावा किया था कि 2019 में भारत और चीन का कारोबार 100 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। कारोबार बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों को फायदा हो रहा है। भारतीय विदेशी मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत चीन के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान नियत किया उसकी कीमत 18.84 अरब डॉलर ही थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उसे 5 गुना ज्यादा सामान बेचा और इसकी वजह से चीन को ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को सबसे ज्यादा घाटा चीन से ही हुआ है, क्योंकि भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता है और उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम सामान उसे बेचता है। 2018 में भारत को चीन से 57.86 डॉलर का नुकसान हुआ था, यानी कि व्यापारिक घाटा हुआ था, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच का यह व्यापारिक असंतुलन भारत के लिए सर दर्द बन गया है। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा चाइना हमारे भारत से क्यों सामान नहीं खरीदता, तो आप लोगों को बताते चलूं कि चाइना इंडिपेंडेंट देश है, यानी चीन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो खुद की जरूरतें खुद पूरी कर लेता है और जहाँ भी उन चीजों की कमी होती है चीन उसे बना के भेजते रहता है और पैसे इकट्ठा करते रहता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत का अभी इतना ग्रोथ नहीं हुआ है कि भारत इंडिपेंडेंट बन जाए। हाँ, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। तो अगर मोदी जी ने ये वाली बात सच में बोल दी तो क्या होगा? संपूर्ण देश में संपूर्ण चाइनीज चीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। हाँ हाँ पता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल दिया तो क्या होगा हमारे देश का, क्या करेंगे हम लोग? इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान उन बिजनेसमैनों का होगा जो बिजनेसमैन चाइनीज सामान को इंडिया में लाके बेचते हैं, और ये चाइनीज चीज वस्तुओं का बहिष्कार अचानक होने पर कोई भी बिजनेसमैन उसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा और पूरा जो कुछ भी चाइना का सामान होगा वो उनके गोदाउन में पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि चाइनीज चीजें कितनी सस्ती होती हैं, तो इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीबों पर पड़ेगा जो महंगी महंगी चीजें लेने का सोच भी नहीं सकते। आप लोग मामूली सा हेडफोन खरीदने जाते हो तो चाइनीज चीज होते हैं, यानी कि चाइनीज का जो प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत कितनी कम होती है और उसके ही मुकाबले कोई दूसरी बड़ी ब्रांडेड कंपनी होगी उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, यानी कि उनकी कीमत एकदम आसमान छू जाती है, तो वो गरीब वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते। जिस वक्त भी चाइनीज प्रोडक्ट बैन होंगे उसी वक्त इंडिया के जो भी ब्रांड होंगे उनकी कीमत आसमान छू जाएगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा जिस चीज की भी कमी होती है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जहां सरकार भ्रष्टाचार कम करने की बात करते है वहां भ्रष्टाचार आसमान छू लेगा। लेकिन क्या सच में चाइनीज चीजों का बॉयकॉट हो सकता है, यानी कि उनका बहिष्कार हो सकता है? हाँ, तो उसके लिए हमारे देश को क्या क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले तो हमें दूसरे देशों से कॉन्टेक्ट करना होगा, और जो कुछ भी सामान हमारे यहाँ पे चाइना से आता था वो चीज हमें दूसरे देशों से कॉन्टेक्ट करके लानी होगी। ये सब करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हम करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी हमारे देश की सरकार मिलकर ये सब कर सकती है। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि जो चीज हमें चाइनीज जितने कॉस्ट में देती है उतने ही कॉस्ट में हमें दूसरे देश देंगे या नहीं देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो सामान बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम? और हमें दोस्तों दूसरे देशों से मदद भी नहीं लेनी है और चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? तो फिर उसका सॉल्यूशन एक ही है। तो आज तक हमारे देश में जो कुछ भी बाहर से आया है वो सभी चीजों का उत्पादन हमारे भारत देश में करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा देश ऐसा कर पाएगा? नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की ग्रोथ हो रही है उसकी तरह से तो ये कहीं से भी नहीं लगता कि साला ऐसा कुछ हो पाएगा। इसलिए हम देख ही सकते हैं कि हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती है, यानी मदद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बॉयकट वाला यानी कि बहिष्कार वाला डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हालात और भी बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि बीच में वो बॉयकट वाला बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, तब लोगों ने अपने बेवकूफी से पूरा हद पार कर दिया था। तो आप लोगों ने भी ऐसे बेवकूफी करते हुए लोगों को देखा ही होगा। उनमें से ही ये दो लड़कियां भी है जो अपने फोन को तोड़ रही है और बोल रही है कि हम चाइना का बॉयकट करेंगे। और आज हमने फोन भी तोड़ दिए हैं और हम जैसे फोन गिराएंगे ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी गिरेगी। यानी कि यहाँ पे नुकसान किसका होता है वो थोड़ा आप लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि साला इन्होंने तो यह भी बोल दिया था कि साला चाइनीज फूड जो बनाते हैं रेस्टोरेंट उनको भी बंद करवा दो। वाह क्या बात है। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखे होगी, पर नहीं देखे होगी तो चलिए कुछ नहीं दिखा देते हैं। यानी सोच ही सकते हैं यार नुकसान किसका हो रहा है, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, बस चाइनीज प्रोडक्ट है तो क्या फिर तोड़ डालेंगे उसको। तो भोली जनता को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट ले लिया है तो भाई उसका यूज करो, बाद में मत लेना। तोड़ने का क्या मतलब है, नुकसान तो खुद का ही होगा ना, कोई दूसरा का थोड़ी होगा। और उसमें क्या आप लोगों ने नुकसान कर दिया, मतलब क्या आप लोगों को सरकार पैसा दे देगी क्या? तो मैंने ये सब वीडियो देखे तो मेरे को भी साला थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि बहिष्कार का मतलब तोड़ना फोड़ना ही होता है। अच्छा है, तो दोस्तों आज की वीडियो में शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों चाइनीज चीजों का ऐसे ही बहिष्कार नहीं कर सकते, उसके पीछे हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तब हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। हाँ तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मतलब क्या ही बोले, अब आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई ही होगी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का हम लाइक एम भी रखते हैं, चलिए 20 लाइक करवा दीजिए। चैनल पे और भी सारी वीडियोस हैं, जाके देखिए और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अनोखे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बाय।